जी, यहां उपस्थित हमारे सभी जिम्मेदार अधिकारीगण और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजी, आज आप सबको यहां पाकर मन प्रसन्नता और गर्व से भरा हुआ है और यह प्रसन्नता कई गुना तब और बढ़ गई जब मैंने ये सुना कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे कैडेट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और उनमें से भी योगेश चतुर्वेदी हमारे बेस्ट कैडेट ऑफ ईयर चुने गए हैं। मैं उनको और आप सबको बधाइयां देता हूं। ये आपकी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और लक्ष्य के प्रति समर्पण का ही परिणाम है। आपको देख के एक भरोसा और विश्वास जगता है कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। एनसीसी चाहे एनएसएस हो, उनका अनुशासन और जो संस्कार दिए जाते हैं, हम देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए सोचने वाले बेटे बेटी नौजवान तैयार करते हैं और सचमुच में अपने लिए तो सब जीते हैं। कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। वास्तव में जीता तो वही है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। और एनसीसी ने यह केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। मैं जब 23 मार्च को पिछले साल मुख्यमंत्री बना तो कोरोना पहले आ गया था। जब पहली बैठक मैंने ली 23 मार्च की रात में, तो कोरोना से कैसे निपटे केवल एक ही एजेंडा दिमाग में था। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में नए संकट को पहचाना और समय पर उपाय किए। उस समय लॉकडाउन लगाने की घोषणा भी हुई। अब लॉकडाउन का पालन करवाना हो, मास्क वितरित करना हो, सैनिटाइजर वितरित करना हो, भोजन के पैकेट्स या कच्चा राशन लोगों को पहुंचाना हो, या बड़ी संख्या में हमारे जो बीच में मजदूर वापस आए लॉकडाउन के बाद, उनकी सेवा, उनको दवाइयां, उनको चाय, उनको नाश्ता वितरित करना हो, तो उसके लिए केवल शासकीय अमला, पुलिस बल और बाकी हमारे साथी उपलब्ध थे, वो तो थे ही, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। और तब जब ये बात आई कि समय कुछ स्वयंसेवक चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डाल के भी दूसरों को बचाने के लिए आगे आए, और तब मुझे पहला नाम याद आया, एनसीसी, एनएसएस। और मैंने निर्देशित किया अपने अधिकारियों के तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करके हम अपने उन बच्चों को काम में समय लगा सकते हैं। और मुझे कहते हो गर्व है, जो काम आपको सौंपा गया सेवा का, वो अद्भुत तरीके से आपने किया। इसलिए मैं एनसीसी का, सभी संबंधित अधिकारियों का और बच्चों का अभिनंदन करता हूं, उनको खूब बधाई देता। आज संकट के समय को असली पहचान होती है, सामान्य परिस्थितियों में तो कोई भी काम कर लेता है, समाज पर
जब भी संकट आया एनसीसी एनएसएस के नौजवान संकट से लड़ने के लिए आगे तैयार खड़े दिखे। और मैं जो विश्वास की बात कर रहा था, देखिए देश तभी बड़ा बनता है, आगे बढ़ता है, जब उसके नागरिक सचरित्र हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, काम करने वाले हो, लक्ष्य के लिए समर्पित हो। और वो गुण एनसीसी सिखाते हैं। अभी हम लोग नई शिक्षा नीति पे बात कर रहे थे, स्कूलों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, इधर यहां बैठे हैं, उस समय भी हमने ये चर्चा की, देशभक्ति चरित्र और अनुशासन लाना है तो एनसीसी का विस्तार हमको हर स्कूल में करने के प्रयास करने चाहिए। अभी संजय जी बता रहे थे 1,19,000 जो मैंने सुना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मिला के अभी एनसीसी से जुड़े हुए। संजय जी ये संख्या बढ़ाना है। अभी शिक्षा मंत्री भी बैठे हैं, मैं भी यहां पे हूं, हम लोग रणनीति बनाए कि कैसे अधिकतम हम बच्चों को एनसीसी के दायरे में ला पाए। एनसीसी बनाती है हमारे बच्चों को, उसके लिए हम आपके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूं, लंबा जीवन तुम्हारे सामने है, उत्कृष्ट प्रदर्शन एनसीसी में तुमने किया है, केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं जो योगेश ने करके दिखाई, व्यक्ति अगर चाहे ले तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं, बचपन से मैं बार बार पढ़ता हूं। वो ये कहते हैं युवाओं से विशेषकर, तुम केवल 3.5 हाथ के हर मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम हमारा आनंद के भागी हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हर एक अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है, किसी में कोई कमी नहीं है। सवाल केवल इतने है कि उन संभावनाओं को परिश्रम करके, प्रयत्न करके कोई प्रकट कितना करना कर पाता है। जो जितना प्रकट करता है वो उतना आगे बढ़ जाता है और उतना करके दिखा देता है। इसलिए कभी मत मानना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। जीवन में बड़ा लक्ष्य सामने रखो, उसको प्राप्त करने का रोड मैप बनाओ और आगे बढ़कर उस लक्ष्य को हासिल करो। याद रखो, तुम केवल सामान्य जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए, कीट पतंगों की तरह जिंदगी गवाना है क्या? कुछ बड़ा करने के लिए हमारा जीवन है। और एनसीसी एनएसएस हमको यही संस्कार देते हैं, बड़ा क्या करना है वो तुम सोचो, किस क्षेत्र में काम करना है वो तुम सोचो, लेकिन एनसीसी ने जो गुण तुमने दिए उनका उपयोग करते हुए अपने आप को तैयार करो महान कार्यों के। हमारे जैसे साधारण हाड़बाज के पुतलों ने बड़े बड़े काम किए। मैं केवल एक ही बात चाहता हूं, तुम में से हर एक बड़ा काम करे, विशिष्ट काम करे। मेरी बहुत शुभकामनाएं संजय जी, आपकी टीम को, एनएसएस के मित्रों को बहुत बधाई देता हूं। आपने सही संस्कार बच्चों को दिए और ये संस्कार बच्चों को और देश को लगातार आगे बढ़ाएंगे।
कई तरह के अभियान एनसीसी चला रही है, आपने उसका जिक्र किया, उसमें एक और जोड़ है नशा मुक्ति अभियान। आजकल भावी पीढ़ी को खोखला करने में कई लोग लगे हुए हैं, ड्रग्स, अलग अलग तरह के नशे। अभी हम मध्य प्रदेश का अभियान चला रहे हैं पूरी ताकत के साथ के माफियाओं को खत्म करो, छोड़ो मत। वो पकड़े जा रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां तोड़ी जा रही है। लेकिन नशा सबसे ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करता है, इसलिए मुझे लगा आपने जो कामों की सूची गिनाई उसमें हमारे बच्चे नशा मुक्ति अभियान चलाए, क्योंकि कॉलेज है जो उनके आसपास विशेषकर महानगरों में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो बच्चों की आदत लगाने की कोशिश करते हैं। और ड्रग जैसी मैं अपने इन बच्चों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन ड्रग जैसी आदत किसी भी बच्चे में लगे तो जिंदगी तबाह, फिर वो चंगुल में आ जाते हैं बच्चे उनके जो नशे के सौदागर है, और फिर गलत काम करवाते हैं, तो इससे बाकी बच्चों को बचाते हैं। ये अभियान और एनसीसी हाथ में ले, एक बार मैं फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, और स्वामी जी के इन्हीं शब्दों के साथ उत्थिष्ट जागृत प्राप्त वारिण्य बोधता, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।